हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए बुक रिकमेंडेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग बाय माइकल जे मॉबसी। तो इस बुक में उन्होंने बात करी है कि कैसे स्टॉक प्राइसेस के अंदर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन होती हैं, कैसे एज इन्वेस्टर्स वी कैन फाइंड दोज एक्सपेक्टेशंस। तो इस बुक के अंदर एंड इस ऑथर ने एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करी है कि जब भी हम कंपनीज की कंपेटिटिव एडवांटेजेस की बात करते हैं तो दो तरीके की कंपेटिटिव एडवांटेजेस होती हैं। एक होते हैं डिमांड साइड मोट और एक होते हैं सप्लाई साइड मोट। तो डिमांड साइड मोट क्या होता है एंड सप्लाई साइड मोट क्या होता है? तो डिमांड साइड मोट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर कंपनी ब्रांड एस्टैब्लिश कर ले, कि माने ब्रांड क्या होता है कि ब्रांड इज समथिंग जो आपके सर्च कॉस्ट को खत्म कर दे। सपोज कहते हैं अगर आपको चॉकलेट खानी है एंड सपोज इफ यू वॉन्ट टू ईट अ चॉकलेट, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैडबरी डेयरी मिल्क आएगी। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिमांड साइड मोट कि ब्रांड ने बार बार एडवर्टाइज कर करके आपके दिमाग में एक डिमांड साइड मोट बना दिया कि कस्टमर खुद ही जाके ब्रांड को मांगेगा। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिमांड साइड मोट। एंड डिमांड साइड मोट में क्या होता है, कंपनीज के जो मार्जिन होते हैं, आइडली द मार्जिन आर हायर, कि मार्जिन कंपनीज के हाई हो जाते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी हाई होते हैं एंड कंपनीज का जो ज्यादातर खर्चा होता है वो एड्स के ऊपर होते हैं, क्योंकि एड्स के थ्रू आप कस्टमर्स का जो माइंड शेयर है उसको विन कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे ज्यादातर जो हम इंडिया के अंदर बिजनेसेस देखते हैं वो B2B नेचर के अंदर ज्यादा है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में भी देखते हैं तो काफी सारे बिजनेसेस ने जो वेल्थ क्रिएट करी है वो B2B बिजनेसेस में। तो B2B बिजनेसेस में हमें क्या देखना होता है, सप्लाई साइड मोट। तो सप्लाई साइड मोट के अंदर क्या होता है कि सप्लाई साइड मोट में कि आपका इवन दो मार्जिन स्ट्रक्चर हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई ना हो, पर आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, माने कि आप लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मतलब कि आप कोई चीज इतनी एफिशिएंटली कर रहे हैं या इतने सस्ते तरीके में कर रहे हैं जो आपका कंपेटिटर नहीं कर सकता, या आप कोई चीज इतनी एफिशिएंटली कर रहे हैं जो आपका कंपेटिटर उतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता। सो दिस इज नोन एज अ सप्लाई साइड मोट। एंड ऐसे सिनेरियो में हम लोग कंपनीज का मार्केट शेयर भी देखते हैं एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि कंपनीज के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं या कंपनीज के जो मार्जिन हैं एज कंपेयर टू पीयर्स कितने ज्यादा लो हैं। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट था हमारे सीखने के लिए, दैट इज डिमांड साइड मोट एंड सेकंड वन इज सप्लाई साइड मोट। एंड हमने जो बुक की बात करी दैट इज एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग बाय माइकल जे मॉबसी। तो आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं इसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एंड इस बिजनेस ने शायद से एक सप्लाई साइड मोड बिल्ड कर रखा है। एंड इस बिजनेस को इस वजह से हमने बोला है कि शायद से ये बिजनेस एक कमोडिटी किंग है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में अगर आप लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं तो डेफिनेटली आपके पास सप्लाई साइड मोट आ जाता है। हम वीडियो के अंदर जरूर देखेंगे कि कैसे पीयर्स के साथ हमने कंपैरिजन भी करा है इस वीडियो के अंदर। तो जब हम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो दिस कंपनी वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1991 एंड 1992 में इस कंपनी का IPO आया था। तो जो विजय कुमार गुप्ता हैं उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट करा था एंड जो आज उनके जो सन है बेसिकली मनीष कुमार गुप्ता, आज इस कंपनी के चेयरमैन एंड MD हैं। पर जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये कंपनी कैस्टर ऑयल के बिजनेस में होती थी एंड साथ साथ 96-97 में जो वनस्पति घी है इसके बिजनेस में होती थी। बट ये बिजनेस की जो फाउंडिंग्स है एक कमोडिटी बिजनेस में थी। एंड आज भी अगर आप बिजनेस का मिक्स देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि इस बिजनेस में आज 3 types ऑफ बिजनेसेस हैं जो एक्चुअली में देखने में तो कमोडिटी लगते हैं, बट उसमें से एक बिजनेस ऐसा है जहां पे इन्होंने सप्लाई साइड डोमिनेंस बिल्ड करी है, जिसकी हम बात करेंगे। तो कौन कौन से 3 businesses हैं यहाँ पे? पहला इनका बिजनेस है कॉटन यान का बिजनेस है, जो आज बिजनेस का छोटा हिस्सा रह चुका है बिजनेस का। अगर आप कॉटन यान बिजनेस के सेल्स देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो कॉटन यान बिजनेस है उसकी सेल्स स्टैग्नेंट है। 2022 के अंदर 242 करोड़ की थी एंड 2018 में 258 करोड़ की थी। वेराज अगर आप अदर सेगमेंट्स में जो एग्रो प्रोसेसिंग में देखते हैं, जहाँ पे जो सोयाबीन का ऑयल है वो बनाते हैं या जो एडिबल ऑयल की प्रोसेसिंग होती है वो देखते हैं, सोयाबीन केक्स देखते हैं, तो यहाँ पे 1770 करोड़ की सेल थी, जो 2018 में भी 1750 करोड़ की सेल थी। वेराज अगर आप मेज प्रोसेसिंग डिवीजन की सेल देखते हैं, जिसकी आज हम वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो मेज प्रोसेसिंग की इनकी सेल ऑलमोस्ट ये डिवीजन की सेल 2007 में ये डिवीजन एस्टैब्लिश सीरियसली हुआ था एंड 2007 में इस बिजनेस की सेल 123 करोड़ की होती थी, जो आज 2022 के अंदर 2644 करोड़ की हुई है। सो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट विच इज इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, ही एग्री कमोडिटी सेक्टर के अंदर एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसके अंदर 3 divisions हैं।
एंड हम जो मेज सेक्टर है या जो इनका मेज सेगमेंट है, पहले हम उसकी बात करेंगे कि मेज सेगमेंट के अंदर करते क्या है। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि मेज स्टार्च या फिर मेज का एक बार हम प्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं कि मेज के अंदर करते कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम वीडियो में पूरा प्रोसेस सीखते हैं कि क्या कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने प्रोसेस है। तो पहले मेज आती है, ठीक है, मेज ट्रांसपोर्ट होती है। तो मेज अगर इनके आसपास जो फार्म्स है वहां से लेते हैं, फिर मेज की स्टोरेज होती है, इनके पास वेयर हाउसेज हैं स्टोरेज के लिए। फिर स्टोरेज के बाद मेज की जो मेज की क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग का आप जैसे यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं पूरा। क्लीनिंग के बाद मेज की स्टीपिंग होती है, वाटर के थ्रू मेज की स्टीपिंग होती है, बहुत वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। फिर मिलिंग एंड सेपरेशन होती है कि मेज के जो जर्म्स हैं अलग कर दिए जाते हैं। फिर मिलिंग एंड सीविंग होती है, फिर जो फाइबर फ्लो एंड स्टार्च फ्लो होता है, क्योंकि हमें स्टार्च से मतलब है। फिर मेज का जो ग्लूटेन है अलग कर दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूजन होती है। फिर फाइनली क्लीनिंग होती है मेज की, एक और फाइनल प्रोसेस होता है क्लीनिंग का। फिर आपके पास स्टार्च मिल्क आता है, देन स्टार्च मिल्क से डिफरेंट स्टार्चेस, ग्लूकोजेस एंड अल्कोहल्स बनते हैं। सो दिस इज अ मिलिंग सीविंग एंड यहाँ पे जो फ्रेश फाइबर्स का भी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्लांट, एंड साथ साथ आपके यहाँ पे जो जो ड्राइंग का प्लांट है वहाँ पे ये भी होता है साथ साथ, एंड साथ साथ जो डिहाइड्रेटेड फाइबर्स है उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस फॉर मेज प्रोडक्शन जो यहाँ पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर करता है। बट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बहुत सारे मेज के जो डेरिवेटिव्स है वो भी बनाता है। पहले एक बार हम ये जानते हैं कि मेज के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस क्या हैं। तो एक बार मेज सेगमेंट का एंड यूसेज सेगमेंट देखते हैं, क्योंकि ये बी टू बी बिजनेस है, तो मेज बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 29% ऑफ जो मेज का यूसेज है फूड एंड कन्फेक्शनरी में होता है, 15% हेल्थ एंड फार्मा में होता है, 19% ऑयल इंडस्ट्री में होता है, 3% पेपर एंड पैकेजिंग में होता है, 4% स्टार्च इंडस्ट्रीज में होता है, 26% कैटल फीड में होता है, एंड 4% केमिकल सोप एंड अदर्स के अंदर होता है। सो दिस इज द एंड यूसेज इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पे इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो प्रोडक्ट्स में आपको आइडिया लगेगा कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर आप पूरा अच्छे से देखते हैं, तो इनके पास सबसे पहले बेसिक प्रोडक्ट है इनका मेज स्टार्च जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में देखा था। फिर इनके पास हाई माल्टोस कॉर्न सिरप आता है, फिर लिक्विड ग्लूकोज आता है, फिर एक डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट आता है, फिर एक डेक्स्ट्रोज एनहाइड्रेस आता है, फिर एक लिक्विड सॉर्बिट्रॉल आता है, फिर एक माल्टो डेक्स्ट्रिन पाउडर आता है। ये सारी चीजें आपकी आपके केक्स के अंदर यूज होती हैं। फिर जो एक जो मेज जर्म है वो भी यहाँ पे एक चीज आती है, फिर एक डेक्स्ट्रोज सिरप भी आता है। अगर आप मेज स्टार्च का बेसिक यूसेज देखते हैं तो ये बेकरी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ मेज स्टार्च पाउडर, क्योंकि बेकर्स इसको अपना टेक्सचर और टेंडरनेस ऑफ केक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। साथ साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा यूसेज होती है इसकी, टू इंक्रीज द ड्राई स्ट्रेंथ, एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसकी भी बहुत यूसेज है। फिर साथ साथ अगर आप सॉर्बिटॉल की यूसेज देखते हैं तो सॉर्बिटॉल मेज के जो स्टार्च के जो डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं। अगर आप सॉर्बिटॉल की यूसेज देखते हैं कि सॉर्बिटॉल की यूसेज कहाँ होती है, तो सॉर्बिटॉल की आपको यूसेज पता लगेगा कि सॉर्बिटॉल की जो कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, माने जो पेस्ट्रीज एंड केक्स है, इनमें यूज होती है टू ब्रिंग फ्लेवर टू बेसिकली शुगर फ्री रेसिपी। फिर कॉमन फूड्स कंटेनिंग सॉर्बिटॉल इंक्लूड शुगर फ्री च्यूइंग गम्स, आइसक्रीम्स, कैंडीज, पुडिंग्स, पैनकेक्स, कुकीज एंड इटालियन आइस एंड इटालियन आइसक्रीम। फिर जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सॉर्बिटॉल को टूथपेस्ट में भी ऐड करते हैं। अगर आप अपने घर में टूथपेस्ट पलट के देखेंगे तो आपको दिखेगा सॉर्बिटॉल उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि गुजरात अंबुजा का 22% मार्केट शेयर है इस टाइम पे इंडस्ट्री में। हाई चांसेस कि आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का सॉर्बिटॉल इस टाइम पे यूज कर रहे हैं ब्रश करने के लिए। फिर और जो इनका एक और डेरिवेटिव है मेज का, दैट इज मेज स्टार्च का, दैट इज माल्टोडेक्सट्रिन। तो माल्टोडेक्सट्रिन का क्या यूसेज है, बेसिकली इन्फेंट फूड में यूज होता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन सैलेड ड्रेसिंग्स एंड साथ साथ जो इंस्टेंट पुडिंग्स है उसके अंदर यूज होता है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ मेज दैट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स इज मेकिंग, एंड दिस इज द मेज प्रोसेसिंग सेगमेंट, जिसकी अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो नियरली लास्ट 15 ईयर्स में दिस सेगमेंट हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 20x जस्ट व्हेन इट कम्स टू टॉप लाइन। एंड यहाँ पे अगर हम ईबिट मार्जिन देखते हैं तो ईबिट मार्जिन यहाँ पे एक बैंड में है 12-20% के, बट यहाँ पे ईबिट मार्जिन के ना एक वॉलिटिलिटी जरूर है, क्योंकि एट दी एंड इट इज अ प्राइस टेकर भी है, बट साथ साथ एक सप्लाई साइड मोड भी है, जो हम जाके आगे वीडियो में बात भी जरूर करेंगे। एंड ओवर द इयर्स आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हुआ है, कि मैंने पहले माने कि जो कॉटन यार्न और जो एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन है वो सिंगल डिजिट मार्जिन बिजनेस है, वेयरएज जो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन है ये डबल डिजिट मार्जिन बिजनेस है। तो ओवर द इयर्स कैसे इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कि आप इन पाई चार्ट्स में देख सकते हैं कि कैसे 2014 में एज अ परसेंटेज कितना था, फिर 2017 में कितना हुआ, फिर 2020 में कितना हुआ, एंड फर्स्ट टाइम 2022 में मेज प्रोसेसिंग डिवीजन ने ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ सेल्स इस
बिजनेस में क्रॉस कर दिया है कंसोलिडेटेड बेसिस में। सो दिस इज वाई प्रोडक्ट मिक्स चेंज एक बहुत ही पावरफुल फिल्टर है बिजनेसेस को देखने के लिए, एंड ऐसे ही करके हम बिजनेसेस को एक्चुअली और भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टिंग एक्चुअली एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, कि इन्वेस्टिंग के अंदर आपको बिजनेस एनालिसिस भी सीखना है, फिर आपको पर्सनल फाइनेंस बारे में भी सीखना है, फिर आपको डिफरेंट सेक्टर्स बारे में भी सीखना है, फिर आपको डिफरेंट इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस बारे में भी सीखना है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर हमने क्या करा कि SOIC मेंबरशिप के अंदर वी हैव इंक्लूडेड ऑल दीज फोर थिंग्स। ये अगर आपको बिजनेस एनालिसिस बारे में सीखना है तो SOIC इंटेंसिव कोर्स के अंदर आपको जितने भी बिजनेस के टर्म्स हैं, या फिर जितने भी अकाउंटिंग की टर्म्स हैं, या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग्स हैं, या फिर अगर फॉरेंसिक एनालिसिस है, या अगर आपको वैल्यूएशन में जितने भी टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन है, कि अगर आपको EV to EBITDA जानना क्या होता है, प्राइस टू सेल्स जानना क्या होता है, DCF जानना क्या होता है, सो ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन द SOIC इंटेंसिव कोर्स विच इज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। सेकेंड की एस्पेक्ट इज कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना है पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी बारे में, कि अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, म्यूचुअल फंड्स खुद फिल्टर करने हैं। सो एज अ पार्ट ऑफ द SOIC इनिशिएटिव वी आल्सो थॉट कि SOIC मेंबरशिप का ये जरूर पार्ट होना चाहिए। सो वी आर बिल्डिंग दिस वर्टिकल जिसमें ऑल द थिंग्स अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं, आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्टिव फंड में करना चाहिए, कैसे आप उनको फिल्टर कर सकते हैं, एंड साथ साथ अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या डेटा है, क्या उसकी हिस्ट्री है, मोर ओवर लाइक हाउसिंग एज एन एसेट क्लास, उसके साथ साथ उसका पूरा प्रूफ ऑफ डेटा भी, क्या उसका डेटा भी है, ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स, जिसके बाद आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर पाएंगे। एक 20-year-old भी कर पाएगा, 30-year-old भी कर पाएगा, 40-year-old भी कर पाएगा, 50-year-old भी कर पाएगा, एंड खुद मतलब एक्सेल बेस्ड प्लानिंग सीख पाएंगे। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स विच विल कंप्लीटली गो लाइव बाय मिड ऑफ अक्टूबर। दिस वॉजेंट अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, बट वी थॉट कि क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ SOIC की हमें इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है, पर हमने सोचा कि SOIC मेंबरशिप का इसको पार्ट जरूर बनाना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। थर्ड की थिंग इज SOIC सेक्टोरल वेबिनार्स। अब एक रिटेल इन्वेस्टर जो और सीखना चाहते हैं, अब उसके दिमाग में क्या आएगा, क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, अब कैसे सीखूं इतने सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो इतने सारे सेक्टर्स की लैंग्वेज को आसान करने के लिए तो SOIC सेक्टोरल एनालिसिस है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो बेसिक टर्म्स हैं आप उनको सीख सकते हैं, कि अगर हॉस्पिटल सेक्टर में ARPOB का क्या मतलब है, केमिकल सेक्टर में ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, फार्मा सेक्टर में USFDA का क्या मतलब है, ऑल दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द SOIC सेक्टोरल एनालिसिस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। एंड फाइनली SOIC मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स, जहां पे आप जो इन्वेस्टर्स विद मल्टीपल डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बार बार कॉन्वर्जेशन करते हैं, एंड कॉन्वर्जेशन के पार्ट में वी कीप लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, एंड एज SOIC ट्राइब मेंबर्स इवन यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस एंड एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। So all these four problems of retail investors are part of one SOIC membership, and link to registration for the SOIC membership is there in the description below. एक बार इस कंपनी का P2P analysis करते हैं। तो main segment का जब हम P2P analysis करेंगे, तो P2P analysis से क्या होता है कि आपको peers के साथ जब भी आप analysis करेंगे तो आपको कंपनी की स्पेशलिटी पता लगेगी या कंपनी की खराबी पता लगेगी, एंड पीयर टू पीयर एनालिसिस आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड है आपको उसका जरूर करना चाहिए। एंड पीयर टू पीयर एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, आप सेल्स का कर सकते हैं, आप कैपेसिटी का कर सकते हैं कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है, एंड साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि कंपनी का कितना डेट है, दोनों मतलब सारी कंपनीज को कंपेयर करें कितना डेट है, एंड साथ साथ आप ये एक बहुत जरूरी जो आपको मेट्रिक देखना है कि कंपनी के मार्जिन्स कितने हैं, कि अगर आप एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों कंपनीज के मार्जिन्स में कितना फर्क है, वो आपको बताएगी कि कौन सी कंपनी हायर एंड ऑफ द वैल्यू चेन में और कौन सी कंपनी ज्यादा वैल्यू एड कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे P2P एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि जब हम पहले इनका एक पीएल देखते हैं अनिल, तो अनिल लिमिटेड 2016-17 में बैंकक्रप्ट हो गया था, एंड अनिल लिमिटेड की ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की सेल थी। तो एक बार हम यहाँ पे इनका जो सेकंड पेयर है उसको देखते हैं, सेकंड पेयर का नाम है रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि ने 2012-2013 के अंदर अपना बिजनेस जो रॉकेट फेरेस करके एक फ्रेंच कंपनी उसको सेल कर दिया था ऑलमोस्ट 950 करोड़ का। तो यहाँ पे अभी जो लार्जेस्ट कंपेटिटर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का एक MNC है बाय द नेम ऑफ रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टार्च इन इंडिया है एंड इसके डेरिवेटिव्स है, तो इसका 15% मार्केट शेयर है आज कंट्री के अंदर। इसके बाद अगर हम इनका थर्ड पीएल देखते हैं, दैट इज कारगिल इंडिया। कारगिल इंडिया ने 600 करोड़ का केपेक्स करा था, 800 टन का क्रशिंग प्लांट लगाने के लिए पर डे ऑफ मेज का,
बट उस प्लांट को लगाने के लिए इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपेक्स थी वो काफी ज्यादा हाई थी। बट कारगिल इंडिया का भी लो सिंगल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन है बिकॉज ऑफ वेरी हाई एडिबल ऑयल सेल्स, तो इनका मार्जिन 2-2.5% के बीच में, क्योंकि 72% सेल्स तो इनकी एडिबल ऑयल से आती है। फिर अगर आप गुलशन पॉलीऑल्स का देखते हैं तो गुलशन पॉलीऑल्स जो स्टार्च पाउडर है उसके अंदर है, एनिमल फीड में, सॉर्बिटॉल 70% सॉल्यूशन में और लिक्विड ग्लूकोज में, बट इनकी जो मेज क्रशिंग कैपेसिटी है हार्डली आई थिंक 300 टन पर डे से ऊपर नहीं है। फिर अगर आप सुखजीत स्टार्च की बात करते हैं तो सुखजीत स्टार्च की जो आज कैपेसिटी है 1600 टन पर डे है, जो ये बढ़ा के 2000 टन पर डे पे लेके जाने वाले हैं। इनका भी 80% यूटिलाइजेशन रेट है एंड दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ फूड पार्क इन 2020 to 2021। माने सुखजीत स्टार्च भी एक प्योरली फोकस्ड कंपनी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द मेज प्रोसेसिंग डिवीजन, एंड साथ साथ सुखजीत स्टार्च में सॉर्बिटॉल का भी डिवीजन है जहां पे प्लांट यूटिलाइजेशन 85% है। पर यहां पे अगर हम इनके जो सीरियस कंपेटिटर्स देखते हैं दैट इज सुखजीत स्टार्च एंड द थर्ड वन इज रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पर अगर आप यहां पे मार्जिन और सेल्स का कंपैरिजन करते हैं तो पहले हम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का देखते हैं कितना मार्जिन है। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का ईबिट मार्जिन आप देखते हैं सिर्फ लोअर डिवीजन का, तो 2019 में 14% था, 2020 में इंडस्ट्री का डाउनटर्न था तो 9% था, 2021 में 18% था, 2022 में 21% था क्योंकि इंडस्ट्री का अपटर्न था। फिर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की जो मेज क्रशिंग कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 5000 टन पर डे है। फिर सुखजीत स्टार्च का देखते हैं तो ईबिट मार्जिन ऑलमोस्ट 2019 में 12% था, 2020 में 7% था, 2021 में 9% था और 2022 में 14% था, तो अगेन अ मैसिव डिफरेंस। रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का देखते हैं तो यहाँ पे 2019 में 7% था, वेरएज 2020 में 3% था, वेरएज 2021 के अंदर 6.7% था एंड वेरएज 2022 के अंदर 15% था। तो यहाँ पे आप अक्रॉस द मेट्रिक आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के ईबिट मार्जिन्स सुखजीत स्टार्च से भी सुपीरियर रहे हैं, रॉकेट इंडिया से भी सुपीरियर रहे हैं। एंड रॉकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अगर आप क्रशिंग कैपेसिटी देखते हैं तो 2550 टन पर डे है, तो माने लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है विद 5000 क्रशिंग कैपेसिटी पर डे जब इनका जो एक और ग्रीन फील्ड इनका लाइव हो जाता है। उसके बाद रॉकेट इंडिया है जो ऑलमोस्ट 2550 टन पर डे पे, फिर सुखजीत स्टार्च है जो 1600 टन पर डे है जो एक्सपैंड करके 2000 टन पर डे के आसपास लेके जा रहे हैं। बट मार्जिन वाइज अगर आप यहां पे देखेंगे तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के मार्जिन बाकी दोनों पीयर्स से बहुत सुपीरियर हैं, ये डाउनटर्न में भी सुपीरियर थे और अपटर्न में भी सुपीरियर थे। इसका वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस क्या है, तो इसके प्राइमरी रीजन में वन ऑफ द फैक्टर्स है कि इनमें जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स है वो भी ज्यादा है और यहाँ पे जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेजेस है वो भी एक रोल प्ले करते हैं। तो अब एक बार हम इस कंपनी के जो सोर्सेज ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेजेस है उसको जानते हैं। यहाँ पे अगर हम इनके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेजेस देखते हैं तो कंपेटेटिव एडवांटेजेस वैसे एक बहुत ज्यादा अब्यूज वर्ड है, बट कंपेटेटिव एडवांटेजेस देखते हैं कि बेसिकली इस बिजनेस के और कंपेटेटर्स में क्या डिफरेंशिएट करते हैं इस बिजनेस को। एंड हमने जैसे देखा क्वांटिटेटिवली वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों वो मार्जिन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके क्वालिटेटिव रीजन है। तो पहला यहाँ पे क्या क्वालिटेटिव रीजन है, दैट इज द नंबर वन रीजन। तो हमने जैसे वीडियो की बिगनिंग में बात करी थी कि एक डिमांड साइड मोड होते हैं और एक सप्लाई साइड मोड होते हैं। तो डिमांड साइड मोड जैसे अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है या फिर आप कोई ब्रांड लेके खा रहे हैं, जैसे अगर आप नेस्ले के मैगी नूडल्स खाते हैं तो दैट इज अ ब्रांडेड मोड, तो दैट इज अ डिमांड साइड मोड कि आप उस पर्टिकुलर ब्रांड का खा रहे हैं। बट सप्लाई साइड मोड क्या होता है कि जहां पे कोई ब्रांड नहीं है, अगर मैं कमोडिटी आपके सामने ला के रख दूं तो वहां पे क्या आएगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी को सप्लाई साइड को कैप्चर करना पड़ेगा, माने लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं होगी तो वहां पे कोई कंपेटेटिव एडवांटेज नहीं होगी। तो इसी तरीके से जब हम कमोडिटी बिजनेसेस को पढ़ते हैं तो हम पहली चीज क्या बात करते हैं कि क्या वो कंपनी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है या नहीं है। तो यहाँ पे पहला की सोर्स ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेज क्या है कि दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ मेज इन द कंट्री, तो ये मेज की लार्जेस्ट बायर है कंट्री के अंदर, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मेज की लार्जेस्ट बायर इन द कंट्री है, सो दे गेट अपफ्रंट डिस्काउंट्स फॉर बाइंग मेज। तो दिस इज द फर्स्ट की कंपेटेटिव एडवांटेजेस व्हेन इट कम्स टू द कंपेटिटर्स कि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर इज चीपर व्हेन इट कम्स टू योर पीयर्स। सेकेंड की सोर्स ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेज क्या है, विच इज लिंक्ड टू योर प्रोडक्शन कैपेसिटीज ओनली, कि यहाँ पे पास इनके पास जो मेज के स्टोरेज साइलोज हैं कि आप कितनी ज्यादा मेज को आप वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं, तो इनके पास 5 लाख टन ऑफ मेज स्टोरेज कैपेसिटी है। वेयरहाउस अगर हम नियरेस्ट कंपेटिटर्स का देखेंगे, अगर आप कारगिल इंडिया का देखेंगे तो कारगिल इंडिया के पास सिर्फ 60,000 टन पर एनम का मेज स्टोरेज कैपेसिटी है, वेयरहाउस इनके पास ऑलमोस्ट 5 लाख टन पर एनम का स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेज है। That also gives you an indication कि क्या मतलब कंपनी का क्या स्केल है एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज बाकी सारी कंपनीज का जो साइलोज है, काफी सारी कंपनीज का रेंटेड भी है, दे फुली ओन देयर मेज स्टोरेज साइलोज।
थर्ड की सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमने मेज के डेरिवेटिव्स की बात करी कि जो स्टार्च के डेरिवेटिव्स हैं, तो डेरिवेटिव्स इनके बिजनेस का आज ऑलमोस्ट 35% है, विच दे आर गाइडिंग कि इनका 40-45% तक हो जाना चाहिए। एंड डेरिवेटिव्स के साथ साथ यहाँ पे एक और लिंक टू कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि आज इंडिया से मेज के डेरिवेटिव्स का जो भी एक्सपोर्ट होता है, ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड करती है। सो दैट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि क्या इनकी कैपेसिटीज हैं एंड कैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि कस्टमर से अप्रूवल लेना बार बार दैट इज अ हैसल, क्योंकि बी टू बी बिजनेसेस में अगर आप कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं, सारे कस्टमर से अप्रूवल लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, अगर हम कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपेक्स देखते हैं, तो जब कारगिल इंडिया ने कैपेक्स करा था तो 600 करोड़ में 800 टन पर डे की कैपेसिटी लगाई थी मेज की, वेयरएज जब ये कैपेक्स करते हैं तो 300-350 करोड़ के अंदर ऑलमोस्ट 1000 टन पर डे की मेज की यहाँ पे कैपेसिटी लगा देते हैं, जिससे ऑलमोस्ट 600 करोड़ की सेल्स आ जाती है। सो कैपेक्स कॉस्ट में ऑल्सो दे आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। और यहाँ पे अगर हम लास्ट की सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज इस बिजनेस के अंदर देखते हैं, सो दे हैव प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑल अक्रॉस द मेज प्रोड्यूसिंग रीजंस इन द कंट्री। अगर आप इनकी प्रेजेंस देखते हैं, देन यू विल फाइंड कि सारे प्लांट्स क्लोज टू जो जहां भी इंडिया में मेज उगती है उसके पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका उत्तराखंड में प्लांट है, विच इज बेसिकली सिचुएटेड एट सितारगंज, तो वहां पे भी मेज उगती है। फिर इनका एक प्लांट मालदा में है, विच इज इन वेस्ट बंगाल, वहां पे भी मेज उगती है। फिर इनका प्लांट एक प्लांट चालीसगांव में 1000 टन पर डे का, वहां पे भी मेज उगती है। फिर इनका एक और प्लांट है मोटनगर में, वहां पे भी जो मेज है उगती है। फिर इनका एक और प्लांट है, दैट इज इन अ प्लेस बाय द नेम ऑफ शिगांव, जहां पे भी जो मेज है, जहां पे मेज है उसकी फार्मिंग होती है। सो दैट जस्ट अगेन टेल्स यू कि फ्रेट कॉस्ट में भी आपकी बहुत ज्यादा बचत होती है, क्योंकि आपके सारे प्लांट्स वहीं पे हैं जहां पे इंडिया के अंदर मेज उग रही है। तो इवन दो सीमिंगली इट्स अ कमोडिटाइज बिजनेस, क्योंकि डिमांड साइड पे आप नहीं बता सकते अगर मैं यहाँ पे लाके स्टार्च रख दूं तो ये गुजरात अंबुजा ने बनाया है या फिर ये सुखजीत स्टार्च ने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मार्जिन में देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि यस, कंपनी में कोई कंपेटिटिव एडवांटेज जरूर है, क्योंकि यहाँ पे जो मोट है दैट इज बेस्ड ऑन अ सप्लाई साइड मोड। सो दीज आर द कंपेटिटिव एडवांटेजेस जो कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करी है। अब हम चलते हैं थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंट। पहला हम यहाँ पे अगर थीसिस पॉइंटर देखते हैं तो बिजनेस के अभी जो मेज की कैपेसिटी 3000 टन पर डे की है, पर Q3 FY23 के अंदर इनका पहला प्लांट जो है मालदा के अंदर वो लाइव जा रहा है, जहां पे 1000 टन पर डे की यहाँ पे कैपेसिटी मेज की बढ़ रही है, तो इससे इनकी कैपेसिटी 4000 टन पर डे की हो जाएगी। फिर इसके बाद इनका एक और प्लांट है सितारगंज में, जो आज 750 टन पर डे का है, और वहां पे भी इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस करी है, जिसमें 1000 टन पर डे से और उस कैपेसिटी को नाउ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहां पे भी इनकी कैपेसिटी 1750 टन पर डे की हो जाएगी, जो Q1 FY24 के आसपास लाइव जा रही है। तो ऑल इन ऑल इनकी कैपेसिटी क्लोज टू 5000 टन पर डे मेज प्रोसेसिंग डिवीजन के अंदर हो जाएगी। और हमने वीडियो में पहले ही देख लिया था कि कैसे ये डिवीजन इनकी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। सेकेंड की थीसिस पॉइंटर क्या है कि FY24 की एंड तक इनका क्या टारगेट है, कि इनकी मेज प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है वो आज जो 3000 टन पर डे की है, दैट शुड गो टू 6000 टन पर डे, माने 3000 टन पर डे की कैपेसिटी 6000 टन पर डे तक जानी चाहिए, एंड दे वांट टू रीच क्लोज टू 40% ऑफ द इंडस्ट्री मार्केट शेयर। तो ये भी एक थीसिस पॉइंटर है कि आप मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं, अब अपने पीएल से मार्केट शेयर खा रहे हैं। जैसे हमने सुखजीत स्टार्च में देखा था, तो सुखजीत स्टार्च का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है सिर्फ 400 टन पर डे का है, व्हेयरएज यहां पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो 3000 से 6000 हो जाएगा। तो माने पूरी सुखजीत स्टार्च का ऑलमोस्ट 1.5x यहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन होएगा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, नॉट टू लाइक किसी कंपेटिटर बारे में बोलना, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द स्केल ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे क्या थीसिस पॉइंटर है, तो जब हमने सॉर्बिटॉल की बात करी थी इनके बिजनेस में, तो सॉर्बिटॉल एक मेज का डेरिवेटिव है, तो सॉर्बिटॉल के भी ये दो प्लांट्स यहाँ पे डाल रहे हैं, एक इनका प्लांट हुबली में डल रहा है और एक इनका प्लांट चालीसगांव में डल रहा है। तो दोनों प्लांट से क्या आएगा कि इनकी जो आज सॉर्बिटॉल की 1 लाख टन पर जो इनकी 1 लाख टन की कैपेसिटी है, दैट विल गो टू 1,60,000 टन, एंड सॉर्बिटॉल के आउटसाइड चाइना एशिया में दे विल बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एंड सॉर्बिटॉल में क्या है, एंड जो मेज के डेरिवेटिव्स हैं इनमें क्या है कि जैसे जैसे मेज के डेरिवेटिव्स में आफ्टर FY24 होता क्या है, क्योंकि आप पहले जब मेज की आप कैपेसिटी डाल रहे हैं तो होएगा क्या कि आपके जो बल्क मेज है या जो आपके मेज के जो आपके जो प्रोसेसिंग है, जो मेज क्रशिंग है, उसकी सबसे पहले आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, फिर जो डेरिवेटिव्स की है दैट फॉलोज। तो होता क्या कि पहले आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है तो थोड़ा सा जो कम मार्जिन वाला बिजनेस है उसके अंदर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है जब आप डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं तो फिर आपके मार्जिन बढ़ते जाते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं दीज आर हायर मार्जिन एंड मच मोर स्टेबल इन नेचर। तो होएगा क्या आफ्टर 3-4 ईयर्स, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 6,000 टन्स पर डे की कैपेसिटी होगी होगी मेज की, तो यहाँ पे भी सिमिलरली क्या आएगा कि जब आप डेरिवेटिव्स की कैपेसिटी 40-45% ऑफ द सेल्स पहुंच जाएगी तो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन में भी आइडली द मार्जिन शुड स्टार्ट इंचिंग अप। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स। और इस बिजनेस में क्या थीसिस पॉइंटर्स हैं, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करी है कि ये मेज से एथेनॉल के अंदर आ रहे हैं, तो दिस इज अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर देम। एंड अब ये 2 एथेनॉल प्लांट्स डाल रहे हैं 180 KLPD के, तो ये हुबली एंड 40 गांव में डाल रहे हैं। एंड ये दोनों प्लांट अगेन इनके आई थिंक FY 23 FY 24 के अंदर लाइव जाने चाहिए 12-16 मंथ्स के अंदर, सो दैट इज ऑल्सो देर। एंड एथेनॉल के साथ साथ एथेनॉल में 10-12% ईबिटा मार्जिन बनेंगे। एथेनॉल के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं कि एथेनॉल के साथ साथ यहाँ पे अल्कोहल का भी अप्रूवल ले रहे हैं कि बाय चांस अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अल्कोहल। साथ साथ यहाँ पे एक और ये शुगर के सब्सिट्यूट में आ रहे हैं बाय द नेम ऑफ माल्टिलॉल। तो माल्टिलॉल भी एक शुगर का सब्सिट्यूट है, वहां पे इस टाइम पे काम कर रहे हैं। अभी ये पता नहीं कि डेफिनेटली इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, बट दैट इज ऑल्सो वन सब्सिट्यूट दे आर लुकिंग फॉर। Then finally they are also coming in one more area, अब ये import substitution में भी आ रहे हैं। तो उन्होंने recently अपनी AGM में 1000 करोड़ का capex announce करा है for fermented products of maize। तो maize के जो fermented products हैं उसमें इन्होंने capex announce करा है 1000 करोड़ का, जहां से 1500 करोड़ ऑफ जो रेवेन्यू ये expect करते हैं। तो अगर आप स्ट्रैटेजी समझेंगे कंपनी की, जैसे हमने केमिकल बिजनेसेस में देखा है वो पूरे इंटीग्रेटेड प्लेयर्स बन जाते हैं, जैसे हमने SRF की वीडियो में देखा, दीपक की वीडियो में देखा, हमने आरती इंडस्ट्रीज में हमने डिस्कस करा, बहुत सारी कंपनीज में डिस्कस करा। सिमिलरली मेज की वैल्यू चेन में दिस वांट्स टू बी अ फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर, कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फार्मर्स को डिफरेंट डिफरेंट सीड्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेज की मतलब जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है वो सिखाने के जो अलावा भी आप मेज की जो पूरी वैल्यू चेन है, माने फर्मेंटेड प्रोडक्ट से लेके मेज के जो डेरिवेटिव से लेके मेज के स्टार्च से लेके जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं, दैट यू आर ट्राइंग टू डू। एंड ये सारी आप चीजें तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट हो, जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। दिस इज वाई इस वीडियो का नाम हमने रखा द कमोडिटी किंग, बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर इवन दो दिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग एंट्री बैरियर्स नहीं है, बट जस्ट थ्रू एग्जीक्यूशन दिस बिजनेस हैज बीन एबल टू बिल्ड माइल्ड एंट्री बैरियर्स टू सेमी स्ट्रांग एंट्री बैरियर्स। सो दीज आर सम ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स, एंड इन थीसिस पॉइंटर्स के थ्रू इस बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। बट जहां पे थीसिस पॉइंटर्स होते हैं वहां पे एंटी थीसिस पॉइंटर्स भी होते हैं, तो एक बार हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला की एंटी थीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या आता है कि हमने जैसे बात करा कि ये कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है, तो इसमें मेज प्रोसेसिंग डिवीजन है, एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन है और कॉटन यार्न डिवीजन है। तो कॉटन यार्न डिवीजन यहाँ पे कई सालों से है, एंड कुछ कुछ सालों में कॉटन यार्न डिवीजन ने लॉसेस भी मेक करे हैं, कुछ कुछ सालों में प्रॉफिटेबल भी रहे, बट कॉटन यार्न डिवीजन में बहुत सब्सटेंशियली इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज नहीं करा। एंड कॉटन यार्न डिवीजन में एक्चुअली यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके बिजनेसेस बहुत सालों से है तो वहाँ पे इंप्लॉयज को निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड क्योंकि बिजनेसेस आप कर ही रहे हैं तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी कम है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कम है, पर डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर को ये सोच सकता है कि ये कैपिटल मिस एलोकेशन है। तो वन थिंग टू ट्रैक है एंटी थीसिस में कि कहीं यहां इस डिवीजन के अंदर अगर कैपिटल एलोकेशन इंक्रीज होती है तो दैट कैन बी एन एंटी थीसिस पॉइंटर, कि मैनेजमेंट का जो बॉल है उसके ऊपर, मतलब अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट पे जो मैनेजमेंट पे जो मैनेजमेंट है उसका बॉल पे से फोकस हट रहा है तो बेसिकली विकेट उड़ सकती है। सो दैट इज वन की थिंग टू लुक आउट फॉर। सेकेंड की थिंग, अगर हम मेज प्रोसेसिंग डिवीजन के अंदर एंटी थीसिस पॉइंटर देखते हैं तो ये वॉलेटिलिटी और एंटी थीसिस हो सकती है, आप जो भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे मेज की प्राइसिंग की बात करते हैं, तो मेज के जो प्राइसेस होते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो कभी 13-14 रुपीज पर किलो पे होते हैं, कभी 18 रुपए पर किलो पे हो जाते हैं, कभी 24 रुपीज पर किलो पे हो जाते हैं, कभी 28 रुपीज पर किलो पे हो जाते हैं। पर इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स एंटर्स इनटू फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। मेज की जो फार्मिंग है साल में एक बार ही होती है, तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज करते हैं कि अगर आपने अज्यूम करा कि मेज की प्राइसिंग 14 रुपीज पे रहेगी, बट क्या हुआ कि उस साल फॉल आर्मी वॉर्म लग गया। फॉल आर्मी वॉर्म एक टाइप ऑफ पेस्टिसाइड है जो 2019 के अंदर लगा था, तो मेज की कहीं पूरी क्रॉप्स ही खराब हो गई थी। तो उससे क्या हुआ कि मेज की जो प्राइसिंग थी 14 रुपीज पर किलो से सीधा चली गई 25-26 रुपीज पर किलो पे, एंड उस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री के जो मार्जिन थे दे बिकेम टोटली वॉश्ड आउट। एंड जैसे ही मार्जिन पूरे वॉश आउट हुए तो पूरी इंडस्ट्री सफर्ड, माने इस कंपनी का भी जो वैल्यूएशन है, एक जो कमोडिटी स्टॉक है उसकी तरह एकदम कोलैप्स कर गया था।
बट इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि पेस्टिसाइड कंपनीज ने ऐसे पेस्ट इंट्रोड्यूस मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे टू डील विद फॉल आर्मी वर्म, एंड अगले साल क्या हुआ कि बम्पर प्रोडक्शन आई क्योंकि मेज के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. तो इवेंचुअली मेज की प्राइसिंग जो थी वो वापस 14-15 रुपीज पर किलो पे चलेगी, एंड ऑल दीज कंपनीज मेड अ किलिंग. सो दिस इज हाउ साइकिल्स प्ले आउट इन कमोडिटी बिजनेसेस. तो आपको ये साइकिल जरूर याद रखनी है. तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि अभी इनका जो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन के अंदर क्वार्टर 4 ऑफ FY22 तक भी इनका जो ईबिट मार्जिन था मोर देन 20% था, जो हिस्टोरिकल ईबिट मार्जिन गाइडेंस से भी या ईबिट मार्जिन जो बैंड है उससे भी ज्यादा था. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम कंपेयर करते हैं, जब ये एक्सपोर्ट्स करते हैं यहां से, तो एक्सपोर्ट्स में जो रियलाइजेशन है मेज की वो ज्यादा है. तो इंटरनेशनली मेज की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एंड इंडियन मेज के प्राइसेस सस्ते थे. तो इनको एक मार्केट में वैक्यूम मिला एक्सपोर्ट करने का. तो इफ दोज थिंग्स रिवर्ट बैक टू मीन, तो ये भी हो सकता है इनकी नेक्स्ट इस साल में या फिर अगले साल शायद से बहुत ग्रोथ ना आए, बट क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है तो ग्रोथ आने के चांसेस हो भी सकते हैं. बट दीज आर सम एंटीथीसिस पॉइंटर्स जो अगर आप एक बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए, कि अगर आप कोई बिजनेस अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे एंटीथीसिस पॉइंटर्स आने चाहिए, कि बाहर के जो मेज के प्राइसेस और इंडिया के मेज के प्राइसेस हैं वो भी मैटर करता है. क्योंकि 4 years तक ऑलमोस्ट इंडियन मेज प्राइसेस और इंटरनेशनल मेज प्राइसेस में बहुत फर्क था. तो इंटरनेशनल मेज प्राइसेस सस्ते होते थे एंड इंडियन मेज प्राइसेस महंगे होते थे, तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता था. फिर 2-3 years के लिए क्या हुआ कि इंडियन मेज प्राइसेस बहुत स्टेबल रहने लग गए, तो यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया एंड बाहर इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़े वॉलेटाइल हुए, तो अगेन एक वैक्यूम मिला इंडियन कंपनीज को. बट दीज थिंग्स कैन ऑल्सो रिवर्स. तो ये कमोडिटी का एंगल बिजनेसेस में जरूर रहता है. एक और यहाँ पे क्या चीज है, तो ये एंटी थीसिस भी है, थीसिस पॉइंटर भी है. तो जब भी ये कमोडिटी साइकिल रिवर्सेस इन मेज, जब मेज के प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं, माने 20 रुपीज पर किलो से पार होके 23-25 रुपीज पर किलो पे चले जाते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी छोटी कंपनीज बस्ट हो जाती है सेक्टर में. जैसे लास्ट टाइम भी 2019-2020 में ऑलमोस्ट 10-15% ऑफ जो सेक्टर की सप्लाई थी दैट कोलैप्स्ड. एंड क्योंकि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का डेट टू इक्विटी बहुत कम है, नियरली नेट डेट फ्री कंपनी है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड्स अप बिकमिंग इवन मोर स्ट्रॉन्गर. तो एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि ये वॉलिटिलिटी बिजनेस का नेचर है. थीसिस पॉइंटर क्या है कि दीज बिजनेस साइकिल्स विल स्ट्रेटन आउट देमसेल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहां पे ऐसे बिजनेस में आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा सकते हैं. क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या देख सकते हैं? मे बी आप जो लोअर एंड ऑफ द मार्जिन बैंड्स हैं वहां पे आप ऐसे बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप इस बिजनेसेस की जो पीक रियलाइजेशन है आप उसको स्टडी कर सकते हैं, एंड आप मेज की जो प्राइसेस है उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली ट्रैक जब आप एंटीथीसिस पॉइंटर्स की तरफ आते हैं, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि जब आप एक बिजनेस की साइकिल को ट्रैक करते हैं तो वैल्यूएशन कैसे मूव करती है. एंड क्योंकि मैंने इस बिजनेस के अंदर लास्ट साइकिल में 2019 में इन्वेस्ट करा था डाउन साइकिल में, तो मेरे को इस बिजनेस की वैल्यूएशन का एक बहुत अच्छा आइडिया है. क्योंकि आप जितना एक बिजनेस या इंडस्ट्री के साथ टाइम आप स्पेंड करते हैं, देन यू गेट एन आइडिया कि क्या उस बिजनेस की वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है, बिकॉज दैट गिव्स यू अ क्लू कि एक्चुअली मैं हिस्टोरिकल मतलब जो उसका पास्ट देख के, आज नैरेटिव देख के या फ्यूचर देख के, देन यू गेट एन आइडिया कि क्या उस बिजनेस के अंदर इस टाइम पे चल रहा है. सो दिस इज वाई वैल्यूएशन इज ऑल्सो एन आर्ट एंड वैल्यूएशन इज ऑल्सो अ साइंस, जहां पे अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट. लास्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है, यहाँ पे जो इनका एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन है वो बहुत सालों से लास्ट 10 years से ऑलमोस्ट 30-40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, जहाँ पे सोयाबीन मील की प्रोसेसिंग करते हैं. तो इंडिया से जो नॉन GMO जो मतलब माने जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है तो उसकी मील्स की प्रोसेसिंग होती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है. तो उस बिजनेस में भी इस टाइम पे टेलविंड्स है, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 8-10% मार्जिन आ गए. यूजली उस बिजनेस में पहले सिंगल डिजिट 3-4% मार्जिन था, बट दैट बिजनेस कैन ऑल्सो बी अ डार्क हॉर्स कि वहां पे अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ के 80-90% पहुंच जाए, एंड गाइडेंस का जो इनका पार्ट है तो दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट कि मैनेजमेंट सोच रही कि 5,000 करोड़ का बिजनेस वो भी हो जाएगा. तो ओवरऑल मार्जिन पे कितना इम्पैक्ट होता है, तो वो क्या मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगी नेगेटिवली लेगी वो मैं सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली मैं कैपिटल एम्प्लॉयड तो बिजनेस में 10 साल से हो रखे हैं, बस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं थी. तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी. सो दीज आर सम ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स एंड दीज आर सम ऑफ द एंटी थीसिस पॉइंटर्स. अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या थीसिस पॉइंटर्स एंटी थीसिस पॉइंटर्स को आउटवे करते हैं इस टाइम पे, या क्या एंटी थीसिस पॉइंटर्स थीसिस पॉइंटर्स को आउटवे करते हैं इस टाइम पे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज वन ऑफ द हिडन कॉन्ग्लोमरेट्स इन इंडिया, इसका मैं आप कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट दिस इज वन ऑफ द साउथ इंडियन ग्रुप्स विच हैज डन एक्सट्रीमली वेल। एंड द सेकेंड ऑप्शन दैट आई विल गिव यू इज ऑन अ बैंक विच हैजंट डन एनीथिंग इन द लास्ट 3 years, बट दिस बैंक हैज एक्चुअली डन वंडर्स इन द लास्ट 20 years। तो क्या लास्ट 3 years के इस स्लंबर से बैंक बाहर आएगा या नहीं आएगा? So do let me know in the comment section below whether you go for option A, that is the hidden conglomerate, or whether you go for option B, that is the hidden bank. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next session of SOIC. Jai Hind.